पाकुड़ उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कोविड 19 टीकाकरण को लेकर जिले के हर पंचायत में होगा विशेष कैंप का आयोजन। आपको बता दें कि कोविड 19 टीकाकरण में प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार 20 से 27 मार्च तक जिले के हर एक पंचायत में चलाया जाएगा विशेष कैंप का आयोजन। अधिकाधिक संख्या में लगेगा कोविड का टीका। आपको बताते चले कि जिले में कुल 65 सेंटर 19 मार्च से संचालित हो जाएंगे, जहां 45 से 59 वर्ष के वैसे लाभुक जो किसी बीमारी से ग्रस्त है उन्हें किसी भी सरकारी या निजी चिकित्सा द्वारा लिखी गई पर्ची लाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बात को सूचना भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा। खबर 365 न्यूज के लिए पाकुड़ से अबुताला की रिपोर्ट। 60+ की जो आबादी है और 45 से 59 की कैटेगरी के ऐसे लोग जिन्हें किसी प्रकार की कोई कोमॉर्बिडिटीज है, तो उसका वैक्सीनेशन का कार्य पूरे जिले भर में 1 मार्च से किया जा रहा है और वर्तमान में 34 हम लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन केंद्र हैं जो कि फंक्शनल है। परंतु इस कार्य को और गति देने के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोगों ने अपनी क्षमताओं को संवर्धन करने के लिए 65 केंद्रों का चयन किया गया है, जहाँ पर सारी तैयारियाँ की जा रही हैं और ये सभी प्रखंडों में आबादी के अनुसार, घनत्व के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार चयन किया गया केंद्रों का, ताकि लोगों को उनके निकटतम जगह पर केंद्र की सुविधा मिल सके। 128 पंचायतों में हम लोगों ने 65 केंद्र बनाए हैं, तो अमूमन हर 2 पंचायत पर 1 केंद्र अभी वर्तमान में संचालित होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जो सीओ की श्रेणी के लोग हैं, 60+ की कैटेगरी और 45 से 59 के कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग जाकर अपना टीकाकरण करा सकें। और पूरे जिले में 2 महीने से टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, किसी प्रकार की कोई अभी तक अप्रिय घटना, कोई कैजुअल्टी या किसी प्रकार का आफ्टर इफेक्ट हम लोगों जानकारी में नहीं आया है। तो सभी लोगों से हमारा अनुरोध भी है कि निसंकोच भाव से, बिना किसी डर, भय, संशय या किसी आशंका या अफवाह पर ध्यान दिए अपने केंद्र पर जाएं और अपना आधार कार्ड लेकर या ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि और भी जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने शेयर किए हैं उसके साथ जाकर अपना वैक्सीनेशन ग्रहण कर सकते हैं। सर, कितने प्राइवेट क्लिनिक को चिन्हित किया गया है? अभी 3 प्राइवेट क्लिनिक्स को चिन्हित किया है और बाकी केंद्रों को चिन्हित करने के लिए भी जिला स्तर से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।